आप लोग चाहते हैं तो मिलता नहीं। अभी अगर मिल भी गया चौकीदार की टीम में 10,000 रुपए का देता है, 10,000 पैसे चौकीदार के जेब में 10,000 रुपया डाल देता है। आप बोल रहे हो कि मिलता ही नहीं, आपसे झूठा बोला पैसा ना देता है। जय भी दारू पिया के मुर्गा खवा के लौटा देता है, साहब इनके मुर्गा खवा देता इनके देह लगा बदाना झुरा जाओगे, बहुत जल्दी झुरा जाओगे, क्योंकि दारू गुटके बहुत खा रहे हो और एक मुर्गा खा रहा है से तगड़ाएगा नहीं। तुम लोग यही करने जाते हो जगत में। मैं तुमको बोला कि जमींदार को पकड़ के लाओ, लेकिन तुम लोग जाते हो घूस खा के चले जाते हैं। यही करते साबुत नहीं मिलता है, साबुत हमारे पास है तो गाड़ी तैयार करो और रात रात में जगतपुर में बारिश डालना है, समझे साहब। बारिश चाट नहीं हो तो हम सोचा बैठे थे हम स्टेरिंग संभाल के उसमें धक्का मारे, गाड़ी से क्या हो गया, हम लोग धक्का मारेंगे खाली। तेल वगैरह है गाड़ी में? तेल वगैरह कहाँ से टंकी लेके भेजो तेल वही दबा। अरे सर ये बहुत बड़ी वाला भेज दिया होगा रात में, टंकी लीक हो गई है। क्यों पांडे जी तुम हर बात में इसको गाली क्यों देते? सर मेरे इंग्लैंड की बात आ रही है, इंग्लैंड से देखिए इनसे वो लगा माता है। देखो पांडे जी इंग्लैंड से आए और इंडियन तुमको कितना दिन हो गया है? अरे अभी कहाँ हुआ, नहीं अभी तो महीना भी नहीं हुआ। अब गाली देना बंद कर दो, समझे। अगर गाली देना तो चौकीदार इंग्लैंड जो मैं कह सुनो मैं चल रहा हूँ और तुम गाड़ी तैयार करो। उल्टा ही बोला कष्ट में चलना है बे चौकीदार। आओ नमस्ते नमस्ते, कहिए कैसी तबियत है तुम्हारी? ठीक हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन अभी हल्का सा मेरे चक्कर आ रहा है। देखो अभी दो चार दिन हल्के फुल्के चक्कर आएंगे, लेकिन जो दवा दिया उसको समय समय से लेते रहोगे बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक है लेकिन डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी क्लिनिक पर मैं कैसे पहुंचा और मुझे क्या हो गया था डॉक्टर साहब, बता दीजिए। तो आप ये जानना चाहते हैं मैं आपके क्लिनिक पर कैसे पहुंचा और मुझे हुआ क्या था? जी सुनिए मैं बताता हूँ। बोलो। मैं अपने क्लिनिक पर था, मेरे घर मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम शीला है, वो मेरी बहन मेरे लिए खाना लेकर के क्लिनिक पर आ रही थी। तो रास्ते में जंगल पड़ता है, जब उस जंगल के बीच पहुंची तो एक जगत नाम का गुंडा उसे अकेले देख करके छेड़ने लगा। जब उसे छेड़ने लगा तो मेरी बहन शीला अपने आप को न बचा सकी, उसे चीखी और चिल्लाई तो अचानक आप उस जंगल में पागल भेष में पहुंचे। हाँ आपने मेरी बहन की इज्जत बचाई। जब आपने मेरी बहन की इज्जत बचाई मेरी बहन के दिल में ख्याल आया कि इंसान पागल होते हुए भी मेरी इज्जत को बचाई है और मेरे भैया सरकारी डॉक्टर हैं, क्यों नहीं इस इंसान को अपने भैया के पास लेकर के चलूं और उनसे कहकर के इनका इलाज करवाऊंगी, अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो ये ठीक ही हो जाएंगे। मेरी बहन मेरे पास तक लेकर के आई तो मैंने आपका चेकअप किया है, सीटी स्कैन
जब आपको सीटी स्कैन किया तो उसमें आपके शरीर के अंदर से पॉइजन पाया गया, नहीं की जहर। क्या? क्या? मेरे शरीर के अंदर जहर पाया गया? जी हाँ, वो जहर या तो आपने किसी गुस्से और आवेश में खा लिए होंगे या तो किसी ने खिला दिया होगा। ये तो नहीं मालूम डॉक्टर साहब, लेकिन एक दिन के बाद मुझे आज भी याद है डॉक्टर साहब, मैं शहर से घूम करके अपने घर आया, भूख बहुत तेज लगी थी, अपने कमरे में गया तो मेरा खाना वहां नहीं रखा गया था। मैं सोचा भैया खेत में काम करते होंगे, टिब्बुल पर जाऊं भैया के लिए खाना रखा होगा, अगर खाओ खाना खा लूंगा। टिब्बुल पर गया तो वहां क्या देखा, खाना और पानी दोनों रखा था। डॉक्टर साहब भूख बर्दाश्त नहीं हो सकी, वही खाना खाया और पानी पिया। उसके बाद डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं पता है क्या हुआ और कैसे हुआ। देखो मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हो रहा हो जहर उसी खाने और पानी में ही था, इसलिए कि आपको खाना खाने और पानी पीने के बाद ही ऐसा हुआ है। हो सकता है डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, जिसकी जिंदगी है उसे कोई मार नहीं सकता है। ठीक कहा डॉक्टर साहब, आज आपने मेरी जिंदगी बचा करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया डॉक्टर साहब। अगर यार ये पता होते तो मैं ना जाने कहां होता, किस हालत में होता। आपका मेरे ऊपर एहसान है, आप मेरे लिए इंसान नहीं बल्कि भगवान है डॉक्टर साहब। मैं ये दिल में सोच रहा हूँ आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं है, एक डॉक्टर का जो फर्ज होता है वो डॉक्टर करता है, रही बात जिंदगी और मौत वो ऊपर वाले के हाथ में है। आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो और आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? मैं कहाँ रहने वाला हूँ, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार है, घर में मेरी माँ है जिनका नाम कमला, और उससे बड़े एक हमारे भैया है जिनका नाम प्रमोद कुमार है। अच्छी बात है, ये बताइए कि आप कुछ पढ़े लिखे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, ये फर्स्ट क्लास था जी। अच्छी बात है संजय। हाँ भैया। देखो मेरी बहन शीला इनको लेकर के आई थी, बोली कि भैया इनका इलाज करिए, अगर ऊपर वाला चाह तो ठीक हो जाएंगे, और मैंने इनका इलाज किया, ऊपर वाले की बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, और ये कानपुर के रहने वाले हैं, इनका नाम विनोद है और ये फाइनल भी है। अरे बहुत ऊंचे खानदान से लग रहे हैं। हाँ संजय, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं इनकी शादी हुई है या नहीं हुई है, इस चीज को तुम पता करो, अगर शादी नहीं हुई होगी इनसे सलाह लेकर के बहन शीला की शादी इनके साथ कर दूंगा। अरे ओ भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, आप कौन है? अच्छा ये बताइए आपका नाप क्या है? नाप क्या है? हाँ हाँ, तुम्हारा नाप मतलब मेरी लंबाई चौड़ाई जानना चाहते हो? शीला वाला शीला। पढ़े नहीं हो क्या? बहुत पढ़ा हूँ। कितना पढ़े हो? नीचा हाथा हाथ उछुल पास। कौन पढ़ाई हो? नीचा हाथा हाई उछुल। वहाँ हिंदी पढ़ाई नहीं, इंग्लिश पढ़ाई होता है। अच्छा इंग्लिश बोल रहे? और क्या, आई एम गोइंग गैंगस्टर। समझ गया पढ़े हो, अब कितना पढ़े हो? और यार
इंग्लिश पढ़ा रही हूँ क्या जानते तो आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? हाँ हाँ नाम। मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद कुमार जी, वाल बना चाहिए, टायर बना देते, टीम बना देते, अब समझ गया तू कितना पड़े। बोलने का तरीका नहीं है, डॉक्टर सीख रहे हैं। अरे उसे शिक्षित कहते हैं भाई साहब। तुम पढ़े के शिक्षित इंसान लिखते हो। अच्छा ये बताओ, बोलो कितना तक पढ़े हो? ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ, बी ए फाइनल हूँ। बी ए फाइनल। शादी तो नहीं हुआ। जब तुम्हारा शादी नहीं हुआ है तो तुम्हारे पास दो चार बच्चे जरूर होंगे। ऐसे ऐसे लोग पूछे हुए सवाल करते हैं, बताओ शादी नहीं हुआ तो दो चार बच्चे जरूर होंगे, ऐसा तो नहीं सुनोगे बगैर शादी की लड़की हो जाए? क्यों भाई साहब, बुरा मत मानना, आपसे सवाल करना चाहता हूँ। क्या क्या? तो शादी पहले पैदा हुई बाद में? आगे हमारे संजय जी के फूफा श्री, वो बताएंगे। ये 11 रुपए का पुरस्कार है भैया, पार्टी की तरफ से नमस्कार है। हाँ संजय, क्या बताइए यार भैया, क्या हुआ? तनिक गलत का बोल रही है अपना बहागिया भैया। गलत बोल गए? मुझे तुम्हें कई बार बताया कि जिससे भी बात किया करो समझ सोच कर बात किया करो कि मैं क्या शब्द निकालने जा रहा हूँ। भैया बढ़िया पढ़ लिखेगा, बिया शादी नहीं करेगा, अगर बात कही है क्या? अगर लड़कियाँ मान जा तो विक्की राजी मिला के नंबर का जोड़ी दिखा दो। हाँ संजय, इसीलिए मैंने तुझे कहा कि तुम पता करो। भैया चलो मैं बात करता हूँ। बात कहिए डॉक्टर साहब, देखिए आपकी शादी तो हुई नहीं है। शादी नहीं हुई है? अगर आप कहें बुरा न माने तो, और ये भी मत सोचना कि डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किए हैं इसके हिसाब से तले ये बात कह रहे हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अगर आप कहें और आपकी इच्छा हो, मैं अपनी बहन शीला की शादी आपके साथ कर देना चाहता हूँ। साहब हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? अपनी बहन शादी में साथ करना चाहते हैं? जी हाँ। लेकिन आप मेरा घर नहीं देखे, परिवार नहीं देखा, और आप शादी के लिए राजी हो गए? अरे हम लोगों से घर परिवार वाले से क्या मतलब है? हमारे बिक्की साथे भी आकर गया तू, क्या समझ गए? आप घबराइए ना, आप खूब हचक का दहेज दूंगा। हाँ बिनोद जी, मेरी बहन शीला अकेली और इकलौती है, आप जितना चाहें जो आपका डिमांड हो जितना दहेज चाहिए आप मुंह खोल दीजिए, मुझे इतना दहेज चाहिए, उससे कहीं ज्यादा दहेज मैं दूंगा। वाह डॉक्टर साहब, आपकी बातें सुनकर मुझे हंसी आती है और गुस्सा भी आता है। आप एक पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, लोगों का इलाज करते हैं, और आप ऐसे अजीब बातें करते हैं अनपढ़ गवार जैसी, जिसे आपके साथी कह रहा है। डॉक्टर साहब सोचिए, आपके हॉस्पिटल में अखबार आता होगा, समाचार पत्र आता होगा, पढ़ते होंगे देखते होंगे कि हर रोज लिखा रहा पेपर में कि आज फला जिला में फला की लड़की को दहेज के लिए जला दिया गया।
मार दिया गया, घर से भगा दिए, बेघर कर दिए। आप दहेज की बात करते हैं, जानते हो दहेज लेना धर्म है, दहेज लेना भी पाप है और दहेज देना भी पाप है। मैं कोई दहेज विरोधी नहीं हूँ, मैं दहेज विरोधी हूँ। शादी करना है तो बगैर दहेज कीजिए, नहीं तो वरना शादी से इनकार है। अच्छी सोच है विनोद, अगर आप जैसे इंसान अगर इस धरती पर रह जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दहेज में आपकी चीज ही खत्म हो जाएगी। अच्छी सोच है संजय। बहन सी लोग बुलाओ, उसकी राय लिए थे किसी के आए हैं। ठीक है भैया। अरे बहन सी लो, अरे जल्दी आओ भैया, बुला रहे हैं। जरूर बताओगे बहन। देखिए, तुम जिस इंसान को पागल भेद में मेरे पास लेकर के आई थी और बोले कि भैया इनका इलाज करिए, हो सकता है कि ठीक हो जाए। मैंने उनका इलाज किया, वो इस समय बिल्कुल ठीक हैं और ये आपके बगल खड़े हुए हैं। और बहन शीला, तुम्हारे पीछे अंदर क्या है क्या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता। संजय भैया, देखिए बहन शीला मेरे से छोटी है, अगर मैं उससे पूछता हूँ हो सकता है कि शर्म से मुझसे न बताए, इसलिए पहले तो कुछ ना उसके बाद में तो पूछता हूँ। ठीक है भैया। ए बिट्टी बिट्टी, जोन सतो में लड़का उन्हें ले आए रहे, ठीक ठाक हो जाता नहीं गोपाल, कैसे बा देख ले पगली भैया, तोर भी सबको बिया का इसका हाथ कहाँ है? पागल नहीं हो गया? पागल नहीं, हम सहज कह रहे हैं। पहले जगबे लाखवा कैसे बात हुआ? छोटू पागल तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक बा। पसंद और भैया बिया का इसका हाथ है? बोलते भैया पक्का है ना? ये भैया भैया बहुत फुसलाए के पूछे, फुसलाए और का बहुत फुसलाए के पूछे, तब जाकर तो शर्मा हाथ नहीं पागा कहे भैया बुलावा पाकर। ठीक है, बात करता हूँ बहन शीला। देखिए तुम्हारे दिल अंदर क्या है क्या नहीं है तो मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक मेरी सोच है कि इनका घर कानपुर है और नाम इनका विनोद है और ये अच्छे खानदान से लग रहे हैं और ये फाइनल भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम कहो अच्छा इच्छा हो तो मैं तुम्हारी शादी इनके साथ कर देना चाहता हूँ। हाँ भैया। देखिए भैया, आप सबसे बड़े हैं, माँ बाप का प्यार तो नहीं मिला, मैं आपको माँ बाप दोनों समझता हूँ। आप जो करेंगे जैसे भी करेंगे सब मंजूर है भैया, इसलिए कि कोई भाई अपने बहन को डूबने नहीं देता, जैसे आप सोचे वैसे कर दीजिए। अच्छी बात है बहन। ए भैया, हाँ सर, राजी है, राजी जब तुम हाउस में राजी है,
किसी वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ दिया जाए, उसके बाद अपने गांव जाके वहां अपने रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर लेंगे। देखिए शादी से मेरी बहन भी राजी है, मैं सोच रहा हूँ किसी वक्त एक दूसरे का हाथ दे दिया जाए। अच्छी बात है डॉक्टर साहब। हाँ ये देखिए घर मालिक साहब आ गई, ये हमारे ना नीला रूपा जी, क्योंकि इसी बार 11 रुपया पुरस्कार आशीर्वाद के कामना चाहते हैं। अपना हाथ दीजिए बहन जी। देखो बहन शीला को और बनाऊ को ले जाकर के रेलवे स्टेशन पे टिकट लेकर के ट्रेन पे बिठा देना और ये अपने शहर कानपुर चले जाएंगे और मैं अपने भी पहुंच रहा हूँ। हाँ भाई मनोज जी देखिए मेरी बहन अभी नादान है, अगर आप कहीं जाने के बाद अगर कुछ गलतियां टूट जाए कुछ हो जाए उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आप निराश मत होइए, शीला आपकी बहन थी अब मेरी पत्नी हो गई है, उसकी देखभाल करना उसकी अच्छा करना हमारा कर्तव्य है, गलती कैसे किसे नहीं होती है। मैं आपकी बहन को पलकों पे बिठा के रखूंगा, कभी कोई कमी नहीं होगी, चिंता मत कीजिए, आप जाइए अपना देखिए क्योंकि वहां मरी जाए होगी, चिंता न कीजिएगा। नमस्ते। अपने क्या लगने में मैं जल्दी कोई खबर की लिए तेरी कामना ¡Gracias!
कल्याण होई कल्याण होगा खुशर होगी जाओ बेटी अब तुम्हारा कल्याण होगा अब तुम खुशी होगी आप तुम किस बोला हो खुशी रहोगी वो कहीं नहीं है पागल नहीं तो खुशी हाँ खुश रहोगी लेकिन क्या बताइए का सोचे रहता होई गवार का भर उल्टा होगा देखा भाई तकलीफ हो गई तकलीफ हो तब तुम्हें रख लिया बहुत निक दुलार करते यार ये संसार देखो ना भाई क्या बताए रिश्तेदार अपने बेटी का अपने दीदी का ब्याह करवाई रिश्तेदार अपने बेटी का हम कुछ नहीं दे पाए कोनो माफ नहीं बा ये की रिश्तेदार अपने बेटी का हम कुछ नहीं दे पावा तही ओके दे दे लेकिन हम कुछ दे मतलब तुम्हें भी किया हो काफी दिन से भारी सामान है समझ गए यार क्या पति बोलता था बहुत फ्रीज है लड़की वाली फिर उस भारी सामान वाला समझ गए यार बड़ा वाला बक्सा होगा बक्सा नहीं फिर क्या है बहुत भारी सामान बा देखिए अंडू बकरा रखे भाई तुम्हारे दोनों भाई पागल हैं बहुत मजाकिया आएंगे और छोटे वाले बहुत याद आएंगे कभी आएगा ना दरिया से भी अभी ऐसा करो समय ज्यादा हो रहा है ट्रेन का वक्त हो गया है